नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300-1634। इसके अलावा आप 0222300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, जो कि बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के हैं। हमारे साथ अमित खरे हैं जीसीएल के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में हल्की कमजोरी है और 100 रुपये के आसपास की गिरावट है। 52,374 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब करीब $2 के आसपास की गिरावट है गोल्ड में। $1,793 के नीचे गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी आई है गोल्ड में। पिछले हफ्ते भर में करीब करीब 1,000 रुपये तक गोल्ड के दाम बढ़े हैं। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड में यहाँ से आगे होगा क्या? भार्गव जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, चूँकि आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। माना जा रहा है कि महंगाई के आंकड़ों में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े आएंगे वो चिंताजनक लेवल ही होगा महंगाई के लिहाज से। तो ऐसे में सर, अब आपका नया आउटलुक गोल्ड के ऊपर क्या बन रहा है? देखिए, गोल्ड में वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी। ये डेटा जब भी आउट होता है और उसके एक्सपेक्टेशन में, लॉन्ग टर्म में मैं मंदी में नहीं हूँ। मैंने काफ़ी टाइम आपके प्रोग्राम में यही बात दोहराई है। और ऐसे आप जो देख रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा 1750 का भी, विच विल बी 1750 या उसके नीचे जब भी मिले, इट इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आप 1800 के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिए एक महीने के लिए वो, और आप 1800 के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिए एक महीने के लिए वो प्राइस ऊपर जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा और ये रेंज में रहेगा। तो आज का जो बेस है वो पूरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का वो डिस्काउंट हो गया है ये प्राइस राइज में, कि जो आपने अभी बताया कि इन्फ्लेशन एक हाई लेवल पे है, जो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कभी इतना सोचा नहीं गया था इतना इन्फ्लेशन है। इसलिए गोल्ड का जो लेवल होना चाहिए वो ऑलमोस्ट फुली डिस्काउंटेड है, तो भी वॉलेटिलिटी मिलेगी और हर एक डिप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हर एक डिप पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। सर, वो डिप क्या होगा जिस पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप लेवल बता पाए? 1750 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1750 के नीचे इंडियन मार्केट में? सर, इंडियन मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज रुपी को किस तरह से RBI तभी मॉनिटर करे वो क्लियर नहीं होगा, मगर 51,400-51,500 के आजू बाजू जब भी मिले इट विल बी अ गुड बाय। ओके, और टारगेट क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? ये देखिए, टारगेट आप लॉन्ग टर्म में आप 1825 का 50 का ले लीजिए ये मंथ ईयर एंड तक, बाकी स्टेडी गोल्ड रहेगा। मुझे ज़्यादा जो भी डिस्काउंट ये इन्फ्लेशन के नंबर्स डिस्काउंट होने थे वो ऑलरेडी हो गए हैं। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करिए कि अभी नंबर आएंगे और गोल्ड वापस जितना भी कमज़ोर मीन्स स्ट्रांग हुआ है उस तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छा, ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि वो भी मतलब बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि तेज़ी की भी गुंजाइश नहीं कि आप सोचेंगे 30% आपको रिटर्न मिल जाए साल भर में, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर दाम गोल्ड के बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा आप बताइए बीरेन जी कि ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए इस मार्केट में? अगर कोई ट्रेडर है, डे टू डे ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है, उनको क्या करना चाहिए गोल्ड में अभी? इसमें जनरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और 52,100-52,100 के आसपास बाय इनिशिएट किया जा सकता है सिर्फ आज के हिसाब से। 51,880 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 52,400 के आसपास आप लक्ष्य रख सकते हो। बेसिकली सीमित दायरे का बाजार लग रहा है और आज इन्फ्लेशन डेटा के बाद थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी, बट स्ट्रिक्टली अगर डेटा को डिसरिगार्ड करते हुए करना है तो मैंने जो कहा वो सीमित दायरा आज है, ठीक है। आपका व्यू भाविक जी गोल्ड पर?
देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर 6 बजे के बाद डेटा आता है तो शायद थोड़ी डिप हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है कि इस बार की इन्फ्लेशन डेटा है वो थोड़ा कम ही आएंगे, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी कम हुए हैं और दूसरे अगर कॉमोडिटीज़ की देखें तो भी जाए। तो आई थिंक 6 बजे के बाद अगर डिप आता है अराउंड 50 to 150 तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा। इंट्राडे मेरा टारगेट रहेगा 50 to 500 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 52,000 का। ठीक है, तो 52, सबकी राय ऑलमोस्ट सेम है, 52,500 के टारगेट के लिए आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदिए 52,150 पे और 52,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन भार्गव जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि अब आप देखिए, जो गोल्ड को लेकर जो भी ट्रिगर थे वो ऑलमोस्ट सामने आ चुके हैं, महंगाई की चिंता है, मंदी की चिंता है, इसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देख भी लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा, इसके पीछे वजह क्या होगी, मतलब नई वजह कहां से गोल्ड को आप सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल होंगे जो अब यहां से गोल्ड को ऊपर की तरफ धकेलेगा? ठीक है, जब भी एक पूरा इंटरनेशनल मार्केट में आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो खत्म नहीं हुए, तो वो एक ट्रिगर बड़ा हो सकता है। आप वो चाइना तेवान गिनिए या जो भी कंडीशन यूरोप में है वो भी एक काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है, तो भी ख़त्म नहीं हुई। तो ये जियोपॉलिटिकल डिस्टरबेंस के साथ कहीं भी थोड़ा भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया तो ये दोनों एक बड़े ट्रिगर होंगे। और इंडिया के लिए एक रुपी डेप्रिसिएशन या कोई भी कंट्रोल ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स वो आएगा, एक वो एक एडिशनल ट्रिगर होगा। अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, कि आप इसमें क्या, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रखें और क्या फंडामेंटल होंगे जो गोल्ड को सपोर्ट देते रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भार्गव जी, कि एक तो आपने कहा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, इसका प्रीमियम हमने गोल्ड में देख लिया था ऑलरेडी, तेज़ी भी आ गई थी, लेकिन अब ये जो जो एक 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 इंटरेस्ट रेट का जो फियर है मार्केट में, दरें बढ़ रही हैं, क्या इसको मार्केट ने पूरी तरह से डिस्काउंट कर लिया है, या आपको लगता है कि इसका भी इम्पैक्ट बीच बीच में कीमतों के ऊपर दिखता रहेगा? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट वो दोनों चीज एक साथ में चलती है। कोई भी सेंट्रल इकोनॉमिस्ट जो होंगे वो इंटरेस्ट रेट तब बढ़ा रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा, तो ये इम्पैक्ट अभी आप देखेंगे तो वो दोनों इम्पैक्ट आज की तारीख में फैक्टर हो गए हैं, तो वो एडिशनल कुछ नहीं होगा। और मैं मेजर करेक्शन दोनों में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन अचानक बहुत कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ना एकदम रुक जाए। तो वो दोनों जो प्लान है जिस तरह से एक्सपेक्टेड है वो स्लोली वो चलेंगे। और एक अपने को एक कंफर्ट है कि अनलाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कहीं से भी एक अनप्लान वे में आ सकता है, ये जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही एजुकेटेड लर्नेड सेंट्रल बैंक्स के हाथ में है। इस हिसाब से उसमें जो भी मूवमेंट है जो वेल अनाउंस्ड है और एक सिस्टमेटिक वे में होगी, तो उसमें हिकअप्स थोड़े कम आएंगे, इसलिए प्रॉपरली डिस्काउंटेड है। एडिशनल प्रेशर ये यहाँ से इंटरेस्ट से मैं नहीं मानता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एडिशनल प्रेशर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का गोल्ड पर नहीं दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात आपने कही, आप बने रहे हैं सर। चांदी पर बीरेन जी, आपका क्या व्यू है? सिल्वर का मार्केट चूंकि मेटल से भी ड्राइव होता है, गोल्ड की तेजी मंदी का भी इम्पैक्ट हम चांदी के ऊपर आमतौर पर देखते हैं, तो अब यहां से चांदी की चाल आपको क्या दिख रही है? सिल्वर में क्या होगा? सिल्वर में थोड़ा इंटरमीडिएट बुलिश सेटअप है, जो रिस्क ऑन ट्रेड यानी बाजार की जोखिम लेने की क्षमता, जोखिम के प्रति लगाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। और ये जो नया चाइना ताइवान टेंशन डेवलप हुआ है उसका प्रीमियम बेस मेटल की रिकवरी का थोड़ा सपोर्ट सिल्वर को मिल सकता है। तो यहाँ ऐसा बेस लग रहा है कि 57,000 से 62,000 की इसकी रेंज रहनी चाहिए, 58,000 के आसपास इसमें आप बाय कर सकते हैं, 57,300 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 59,500 के आसपास का नियर टर्म लक्ष्य रख सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड 61,000 61,500 का लक्ष्य भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजी यहाँ पर बढ़ सकती है चांदी में। आज के लिए क्या व्यू है आपका भाविक जी, इंट्राडे के लिए चांदी पर आपका व्यू? जी, इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़े डिप आती है
अराउंड 58,200 के, जहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है शॉर्ट टर्म चार्ट में, तो आई थिंक वहाँ पे एक बाय कर सकते हैं 59,300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 57,500 का। आई थिंक कॉमेक्स में जब तक $20 के ऊपर चांदी है तब तक सेफ है, मे बी $20 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। अभी कंफर्टेबली चांदी $20 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो आज के दिन के लिए मेरा भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, अच्छा भार्गव जी, सिल्वर पर सर आपका थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है? 58,700 के आसपास है चांदी का भाव, मतलब क्या आपको लगता है कि चांदी को इस ये जो लेवल है अभी 58,700 के आसपास का या 60,000 के नीचे का, इसको एक बॉटम के तौर पर देखा जाए और अब यहाँ से चांदी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी? नहीं, चांदी वॉलेटाइल रहेगी। जैसे आप अभी बात कर रहे थे सभी जगह पे कि काफी प्रेशर्स दोनों साइड पे आ सकते हैं, जिसका चांदी में थोड़ा ज्यादा इम्पेक्ट होगा। ये बात आप मान सकते हो कि जब भी चांदी की मूवमेंट थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई तो ये प्राइस से एक अपवर्ड मूवमेंट आएगा, मगर कोई भी एक अनफेवरेबल चांदी का फैक्टर आ गया तो चांदी वापस यहाँ से भी 2,000 रुपया नीचे आ सकती है। 60,000 आज की चाल, अभी की जो चाल है उसमें 60,000 लग रहा है कि पहुंचेगी, मगर एक करेक्शन कभी भी आ सकता है चांदी में। तो वो करेक्शन कितना बड़ा होगा सर? आई एक्सपेक्ट के वापस 56,000 या 55,000 के बीच में एक आएगा। तो वहाँ पर बाय कर रहे हैं? वहाँ पर बाय कर रही है। और चांदी में मैंने हर टाइम एक राइडर दिया है कि नॉन प्रोफेशनल्स दूर रहे और हर एक लेवल पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डाल के ही चले। वैसे सर ईयर एंड तक के लिए आपका टारगेट क्या है चांदी पर भार्गव जी? देखिए, मैं ईयर एंड तक का मेरा टारगेट, मैं रेंज दे बोलूंगा कि मेरा रेंज बहुत बड़ा है। मैं 64 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 55 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज द रेंज, कहाँ साइन ऑफ होगा मैं प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर पर अपना व्यू अपनी राय देने के लिए। बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ इस वक्त MCX पर ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी 1.5 से 2% तक की नरमी दिख रही है, मतलब ये कि गिरावट अब बढ़ रही है। $95 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। क्यों आया है ये जानिए। एक खबर हमने आपको सुबह बताई थी और वो खबर ये थी कि रूस से यूक्रेन के रास्ते जो सप्लाई हो रही थी सेंट्रल यूरोप को, वो सप्लाई रुक गई थी, लेकिन अब वो सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी, ये खबर आई है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर गिरावट के तौर पर देखा है। अब जरा आप बताइए बीरेन सर कि क्या ऐसे में कच्चा तेल कुछ और नीचे आएगा? 7,000 के आसपास के टारगेट के लिए क्रूड खरीदना चाहिए? इसमें थोड़ा डाउन साइड ज्यादा दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट साइड कॉल इसमें प्रेफर करूंगा। 7,200 के आसपास 7,333 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 6,950 के आसपास रहेगा। पोजिशनली स्पीकिंग शायद हम 6,600 तक भी देख सकते हैं, जिसका नजरिया 10-12 दिन का है। अच्छा ठीक है, जिसका नजरिया 10 से 12 दिन का है, आप कह रहे हैं कि 7,000 के नीचे आ सकता है, आप यहाँ पर बेच कर चलें। हमारे साथ अमित खरे भी जुड़ रहे हैं गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी आप बताएं आपका टेक्निकल चार्ट क्रूड पे क्या कहता है, आपको भी लगता है कि कच्चा तेल अभी बेचना चाहिए? जी मित्र भाई, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्रूड ऑयल का अभी बेयरिश साइड ही है, और लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जब तक अभी रिसेंट में 7,170 के ऊपर अभी नहीं निकल रहा है, आज सिर्फ इंट्राडे का व्यू मैं दे रहा हूँ मित्र जी, 7,170 के नीचे जब तक है तब तक इसमें सेल साइड का ट्रेड लेके चलें। नीचे में 6,960 तक के लेवल इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा भाविक जी अभी इस भाव पर कोई ट्रेड है क्या 7,100 के भाव पर कच्चे तेल में? जी यहाँ से तो नहीं, बट हाँ थोड़ी ही अपसाइड आती है, इनफैक्ट 71,30-40 के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ट्रेंड देखे तो नेगेटिव ही है। और आई थिंक WTI जब तक $92 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए। तो इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 70-50 का और इंट्राडे टारगेट रहेगा 7,000 का, तो बस यहाँ से 20 या 30 रुपये के एक जंप आता है तो वहाँ से बेच के चल सकते हैं। ठीक है, तो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कच्चा तेल अभी बेचें क्योंकि ये गिरावट बढ़ रही है, फंडामेंटली मार्केट थोड़ा कमज़ोर है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड घटने की आशंका लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बनी हुई है, तो इस पर आप नज़र बनाकर
रख सकते हैं, बेचकर ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में आप देखिए जरा कि हो क्या रहा है। एग्री में ग्वार का प्राइस नीचे है, लगातार दबाव में है ग्वार। आज भी 2% के आसपास की गिरावट ग्वार सीड में, और ग्वारगम 2% से, इनफैक्ट ग्वारगम 3% के आसपास टूटा है। जीरा गिरा है, मामूली गिरावट आई है, लेकिन टर्मरिक में 3% की नरमी है। तो अमित जी, पहले ग्वार से शुरुआत करते हैं, मतलब कहाँ रुकेगी सर ये गिरावट ग्वार की? मृत्युंजय भाई, मेरे को लग रहा है कि 10-15 दिन इसमें अभी और प्रेशर रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल का भी इनको सपोर्ट मिल रहा है प्राइस डाउन आने के लिए, क्योंकि इस बार बिजाई जो है वो काफी बम्पर है, 2.5 से 3 गुना बिजाई हो गई है, और स्ट्रक्चर भी अभी नेगेटिव है। फ्रेश लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ग्वारगम का एक मैंने अभी ट्रेड बनाया है, सेप्टेम्बर वायदा ग्वारगम 8250, 8250 के नीचे अगर ये जाता है कल परसों में, तो इसमें फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 7500 रुपए का, 8 से 10 दिन का ये ट्रेड है, और इसका जो स्टॉप लॉस है 8750 का है। तो ओवरऑल अभी ग्वार सीड ग्वारगम में 10 से 15 दिन के लिए बिकवाली का ट्रेड ही मैं रिकमेंड करूंगा। आप कह रहे हैं कि ग्वार में अभी गिरावट बढ़ सकती है, इस पर आप नजर बनाकर चलें। बीरेन जी, आपका क्या फंडामेंटल नजरिया है सर ग्वार के ऊपर? अभी काफी बेरिश है, जो बिजाई के आंकड़े हैं इससे सेंटिमेंट इसका काफी खराब हो गया है, बट 2 महीने की जो ग्वार गम की एक्सपोर्ट्स है वो क्यूमुलेटिव बढ़ रही है, तो मैं इस लेवल पे ग्वार को शॉर्ट करना नहीं चाहता। अच्छा, आप ग्वार को शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत दाम गिर गए हैं तो अभी अच्छा सर, अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो लॉन्ग करना चाहते हैं बीरेन जी? वैल्यूएशन एट्रैक्टिव आएगा तो जरूर करूंगा, अभी फिलहाल इसमें क्या है कि छाछ है वो मैं पानी के भाव नहीं बेचना चाहता हूँ। नहीं, पानी के भाव नहीं बेचना चाहते हैं, फिर छाछ को करना क्या चाहते हैं आप? छाछ पानी के भाव मिले तो जरूर बाय करूंगा, उसकी मिल रहा है क्या पानी के भाव? मिल रहा है क्या छाछ अभी? अभी नहीं मिल रहा है, उसका इंतजार कर रहा हूँ अभी। मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि अभी मान लीजिए बिस्लरी के भाव मिल रहा हो, कुछ दिन बाद फिर लूज वाटर की तरह मिल रहा हो, मतलब अभी किस भाव पे मिल रहा है छाछ की, कौन सी क्वालिटी है अभी ग्वार? मैं जो यूजुअली बोलिंगर बैंड को ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो बोलिंगर बैंड के हिसाब से मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, मैं उसका इंतजार करता हूँ कि ये कब स्क्यू होता है डाउन साइड में। आपके हिसाब से ओवरसोल्ड किसको माना जाएगा, किस लेवल को माना जाएगा? ये बोलिंगर बैंड के हिसाब से मैं जाता हूँ। सर ये बैंड जरा समझा दीजिए, बड़ा बड़ा कठिन शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया। अब मेरे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कौन सा बैंड है ये जो बीरेन जी के पास है? नहीं, ये हर सॉफ्टवेयर में आता है और ये स्टैटिस्टिकल डेविएशन है बेसिकली, 20 दिन का जो डेटा होता है उसकी हाई और लो की बैंड है ये। ठीक है, तो ये ग्वार पर आपकी राय हो गई कि ग्वार में अभी करना क्या है। अच्छा, आप जरा बताएं अमित जी की मसालों में क्या किया जाए। टर्मरिक में 3% के आसपास की गिरावट आज दिखी है, जीरा भी दबाव में है, ओवरऑल क्या व्यू आपका मसालों पे? टीएमसी जो है सितंबर वायदा 7100 के नीचे जाती है, तो इसमें फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 4 से 8 दिन का जो टारगेट रहेगा वो 6,065 का रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 7400 रुपए के ऊपर का है। जीरे में एक मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जीरा अभी ये जो एग्री में मंदी आई है इसमें स्टैंड खड़ा हुआ है, और फॉरेन कंट्री चाइना की तरफ से काफी अच्छी डिमांड है। तो लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 23,500 के आसपास अगर सितंबर वायदा जीरा जब भी मिलता है तो उसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेकर चलना चाहिए। 24,500 का इसका एक टारगेट रहेगा, और 23,000 के नीचे का एक इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका एग्री मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कपिल का, पूछिए कपिल जी। सर, मेरी सिल्वर बाइंग है 70,000 के लेवल पे। 70,000 पे चांदी में आपने बाइंग की है? जी सर। ठीक है, बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको? जी थोड़ा कठिन है, क्योंकि 70,000 पे उन्होंने बाइंग की है और अभी 58,600 चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में उनका भाव आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल भी आगे जाके भी अगर हम देखें ये ईयर एंड में या इनफैक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपसाइड 62-63 पे कैप हो जाएगी, और नीचे अगर देखें तो 55-53 पे कैप हो जाएगी। तो यही रेंज रह रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 55,000 या 56,000 के करीब अगर आती है तो
वहाँ से वो बाय कर सकते हैं ताकि उनकी एवरेज प्राइस है वो कम हो सकती है, और आई थिंक उनको उनकी एवरेज प्राइस अराउंड 61-62 लानी पड़ेगी तो ही वो प्रॉफिट में निकल पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है शुभम का, पूछिए शुभम जी। सर नमस्कार, मेरा सवाल वीरेन सर से है। सर मैं नेचुरल गैस के बारे में जानना चाहता हूँ कि बाइंग किस लेवल पे करें, नेचुरल गैस किस भाव पर बाई करें, ये आप जानना चाहते हैं, बताइए वीरेन जी। नेचुरल गैस में मैं फिलहाल तो बाय साइड नहीं प्रेफर करूंगा, यहाँ मुझे 680 के आसपास सेल साइड में इंटरेस्ट है, बट अभी वो रेट काफ़ी दूर है। सिल्वर ये नेचुरल गैस की इंट्राडे वोलेटिलिटी यूजुअली 60-70 रुपये की होती है, तो ये लेवल मुझे फिलहाल बाय करने लायक नहीं लगता। ठीक है, अच्छा कॉपर पर क्या व्यू है आपका भाविक जी, कॉपर में आज के लिए कोई ट्रेड? कॉपर में अच्छा अभी भी एटलीस्ट दो जिंक और कॉपर दोनों देखे तो दोनों में तेजी देख रही है, और ओवरऑल फंडामेंटल भी थोड़े स्ट्रांग है क्योंकि इस बार जो इंपोर्ट हुए हैं कॉपर में चाइना की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, एटलीस्ट लास्ट 4 या 5 महीने में सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमी भी ओपन हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि कॉपर में ज़्यादा तेज़ी नहीं, बट यहाँ से एटलीस्ट फिर भी 675 से 678 तक की तेज़ी देख सकती है। इंट्राडे के महज से मुझे लग रहा है कि अराउंड 662 के करीब बाय कर सकते हैं 657 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 670 का। क्या दलजीत हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए दलजीत जी। हाँ सर मैंने ये चांदी लिया हुआ है। हेलो हेलो, चांदी किस भाव पर लिया है सर आपने? ये सर मैंने तो 60,000 पे लिया हुआ है, तो अभी तक तो डाउन ही चल रहा है, तो इसका लग रहा है मेरे को रखना चाहिए क्या करना? भाविक जी रखें क्या अभी, होल्ड करें क्या? जी जरूर रखिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट आ नहीं रहा है कि जहाँ पे हमें देखा है कि चांदी में ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। मे बी रिसेशन अगर यूरोप में स्टार्ट हो सकती है तो चांदी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है तो चांदी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगी, बट अभी के अगर हालात देखें तो अभी लग रहा है कि एटलीस्ट चांदी कुछ कहीं ना कहीं एटलीस्ट 59 से 59,500 तक तो आ सकती है, तो वेट कीजिए अराउंड 59,500 के करीब आती है तो वो एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, सुजीत हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुजीत जी। नमस्कार, मैंने क्रूड ऑयल का 6,900 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है 191 रुपीस में, दो लॉट लिया हुआ है 191 पे, है ना, दो लॉट लिया आपने। अच्छा तो बीरेन जी क्या किया जाए? मार्केट उनकी फेवर में जा रहा है, बट उनकी जो कॉस्ट है वो काफी ऊपर है, तो शायद इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिल सकता है। कितना मिल सकता है? इट्स टफ, बेसिकली ये ऑप्शन है वो मेल्टिंग एसेट है, मींस हाथ में बर्फ है और पिघलता है ना, ऐसी पिघलती एसेट है, और अब एक्सपायरी भी ज्यादा दूर नहीं। ठीक बात है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।